आरजेडी एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन है और अभी हम गया में मौजूद हैं। ये गया से देखिए ये नामांकन की तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभी भोजपुरी के सुपरस्टार छोटू छलिया हैं और थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे। पहले बताइए क्या हालचाल है? एकदम हालचाल मस्त है। यहाँ आरजेडी का नामांकन में आप आए हुए हैं? हाँ, एकदम आया हूँ। गाना भी उसी प्रकार का? जी जी, कभी मुखिया जी तो कभी बीडीसी। हाँ हाँ, क्या इरादा है? तो यहाँ के बीडीसी मुखिया जी लोग बताएंगे, हमको लग रहा है कि इरादा उन लोग का बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ? आप क्या सोच कर आए हैं, क्या करवाना चाहते हैं? हम चलो आप तो हम रिंकू जी को एमएलसी बनवाना चाहते हैं, यही सोच के आए हुए हैं। एमएलसी बनवाने के लिए आए हुए हैं? आरजेडी को सपोर्ट कर? हाँ, लेकिन मेरा वोट तो है नहीं यहाँ, लेकिन मैं अपील करना है अपने गाने के माध्यम से। थोड़ा सा नीचे आकर के ही बात कर लेते हैं, थोड़ा नीचे चलिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे नीचे चलिए आइए। छोटू छलिया से अभी और भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन ये एक बार कहेंगे उठा करके कैमरा दिखा दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है भीड़ कितनी उमड़ पड़ी है और किस तरीके से साइड यहाँ से ले लीजिए। छोटू जी आगे आ जाइए। लगातार आरजेडी के लिए देखिए ये पहला ऐसा नामांकन प्रोग्राम है एमएलसी का जिसमें आपको बुलाया गया है और इतनी तादाद में भीड़ हो रही है। तेजस्वी भी आने वाले हैं। थोड़ा सा इंटरव्यू कर लेने दीजिए, फिर आप लोग लीजिएगा। सेल्फी का बड़ा तगड़ा प्रकोप है जी, हैं? सेल्फी का बड़ा तगड़ा प्रकोप है छोटू छलिया। सेल्फी का बड़ा तगड़ा प्रकोप है? नहीं, सेल्फी चला हुआ है अभी, सेल्फी चला हुआ है एकदम धार के। एक तरफ खेसारी लाल, पवन सिंह, ये लोग आपस में लड़ भी रहे हैं भोजपुरी को लेकर, क्या क्या कह रहे हैं? अभी छोटू छलिया थे, लगातार इनसे बातचीत चल रही थी, हालांकि भोजपुरी को लेकर के भी सवाल जवाब था। अभी इनके पास व्यस्तता है इसलिए नहीं आप बातचीत कर पाए। एक बार कहेंगे कि ये दिखा दीजिए, ये आरजेडी एमएलसी प्रत्याशी का ये नामांकन का वो दृश्य है जो हम आपको गया से सीधे पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार की तादाद दिखाई दे रही है, यह पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एमएलसी में इतना बढ़ चढ़ करके भागीदारी लोगों के द्वारा निभाया गया है। बताते चले आपको कि इससे पहले जितने भी एमएलसी के चुनाव हुए हैं वो शायद ही किसी को पता चलता था कि कौन कहां से कैंडिडेट है और कौन किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन इस बार का जो जनाधार है वो विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जदयू दोनों को लगभग बराबर बराबर पल्ले में मिला, यानी एनडीए गठबंधन को भी बराबर मिला और आरजेडी गठबंधन यानी महागठबंधन को भी बराबर मिला, और उसी का नतीजा है कि हर कोई विधान परिषद निकाय चुनाव को फतेह करना चाहता है। और ये जो दृश्य है ये उसी का जीता जागता उदाहरण है। और इस दृश्य को लेकर के जो भी हम अभी आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप ये दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर छोटू छलिया का प्रोग्राम भी किया गया है, ज़्यादातर युवा वर्ग आपको नजर आएगा। और ऐसे में सवाल यह है कि इसमें निकाय चुनाव है तो इन युवाओं को तो वोटिंग करना नहीं है, लेकिन ऐसे स्टार्स के लिए ये लोग आए जरूर हैं। अब इस भीड़ को कितना वोट में आरजेडी प्रत्याशी तब्दील कर पाते हैं ये उनकी काबिलियत पर निर्भर करता है। थोड़ा सा इस विधानसभा विधान परिषद क्षेत्र का आपको जिक्र कर दूं तो यहाँ से आपको मैं बता दूं कि पहले से दो बार के कैंडिडेट रही जदयू की, अभी न्यू वर्तमान एमएलसी भी हैं, मुनर्मा देवी भी दूसरे तरफ से नामांकन कर रही है, आज उनका भी नामांकन है और उनका भी प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन अभी हम यहाँ आरजेडी से आपको आरजेडी का दिखा रहे हैं, कुछ देर बाद हम आपको जदयू की दूसरी टीम जो है वो जदयू की भी दिखाएगी, आपको बताएगी कि किस प्रकार से जदयू का प्रोग्राम चल रहा है। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। दो बार की जीती हुई एमएलसी न्यू वर्तमान एमएलसी मुनर्मा देवी भी है, लेकिन आरजेडी ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कह सकते हैं कि इस बार रिंकू यादव को यहाँ से एमएलसी का टिकट दे करके चुनावी मैदान में भेजा। क्या होगा आप हमें कमेंट कर अपना राय भी रख सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।